नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में एक नई शुरुआत के साथ। हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। सफर लगातार हमारा जारी है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बीडीसी पद से जो यहां चुनाव लड़ रहे हैं मोहम्मद आरिफ, उनके कार्यालय पर। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 9 से 14 तक इनका चुनाव है, क्षेत्र पंचायत के चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरह की उनकी तैयारी है हम ये जानने की कोशिश करेंगे। बरसात का मौसम है लेकिन यहाँ पर जिस तरह चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म है, हम उनकी एक एक करके राय लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वार्ड पर किस तरह की उनकी मेहनत चल रही है और जनता उनकी उनको अब की बार क्या बीडीसी पद जो है सौंपने जा रहे हैं या नहीं। बहुत सारे समर्थक उनके मौजूद है, देख सकते हैं आप उनके कार्यालय पर युवाओं की एक अच्छी खासी भीड़ है, कुछ बुजुर्ग भी मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वार्ड पर मोहम्मद आरिफ किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक लड़ रहे जी, कैसा माहौल नजर आ रहा है? बढ़िया आ रहा। भाई साहब का नाम क्या है बताओ? मेरा नाम यासीन है। यासीन भाई, वार्ड नंबर 9 से 14 तक मोहम्मद आरिफ बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं। बढ़िया, तो आपको क्या लगता है आपकी बात? बढ़िया लग रहा है, मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है। हारो जीत का क्या नजर आ रहे हैं? बढ़िया नजर आ रहा है, मतलब हार जीत का। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप बताओ आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद राशिद है जी। मोहम्मद राशिद। राशिद भाई, युवाओं का किस तरह जन समर्थन है इस वार्ड पर? भाई ठीक चल रहा है काम तो फिलहाल तो। अच्छा, हम तो जीत चाह रहे हैं। जीत चाह रहे हैं जी। तो आपको क्या लग रहा? अब जीत ही चाह रही जी बस। चलिए देखिए, यहाँ जो युवा मौजूद है, कैमरा का सामना बहुत कम लोग करते हैं लेकिन फिर भी अपनी बात रख रहे हैं सूक्ष्म शब्दों में। भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद अरशद। अरशद भाई, किस तरह मोहम्मद आरिफ की तैयारी चल रही है? बहुत थोड़ा सा समय बच गया, माहौल किस तरह से है आपके पक्ष में? बढ़िया माहौल है जी, बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा, बढ़िया तैयारी है। क्या लगता है? जीत की तरफ है। अच्छा, अगर कल इनको जिम्मेदारी मिलती है, बीडीसी इनको बनाया जाता है, तो किस तरह से जो है उम्मीद रखते हैं वार्डवासी इनसे विकास को लेकर? विकास तो पहले भी करा रहे थे। अच्छा। और अगर बीडीसी बन जाएंगे तो और अच्छा कराएंगे, और अच्छा विकास कराएंगे। हमेशा बीडीसी जो है विवादों में रहते हैं कि भाई जो है वो इधर चला गया, वो इधर चला गया, तो आरिफ भाई विकास की शर्तों पर जाएंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल विकास की शर्तों पर जाएंगे, जनता जैसे कहेगी ऐसे जाएंगे। जैसे 10 आदमी जनता चाहेगी, हाँ, जो वोट देगी, हाँ, तो जैसे वो समर्थन करेगी मशवरे से सब कुछ बस, हाँ वही होगा। भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद अरशद जी। क्या लग रहा है आपकी बारिश वार्ड पर आपको? मुझे बहुत अच्छा माहौल चल रहा, हाँ, इंशाल्लाह जीत होगी। युवाओं का क्या रुझान है 9 से 14 तक के वार्ड पर बीडीसी पद के लिए? ये मोहम्मद आरिफ भाई हमारे इलेक्शन लड़ रहे हो, युवाओं का बहुत समर्थन है और पहले से ही है, युवाओं के साथ जुड़े हुए हैं, इंशाल्लाह से बात नहीं जीत होगी, युवाओं का बहुत समर्थन मिल रहा है। विकास को लेकर क्या माहौल है यहाँ, किस तरह विकास करने की उम्मीद है इंसान को? इन्होंने पहले भी कोई पद नहीं था इन पे, फिर कांग्रेस पार्टी में आए, उसके बाद इन्होंने कार्य भी किया, जो इनसे हुआ वो कार्य किया इन्होंने, इंशाल्लाह जीतने के बाद भी कार्य करेंगे। भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद शाकिर। मोहम्मद शाकिर। क्या लग रहा है आपकी बारिश वार्ड पर आपके? इंशाल्लाह आरिफ भाई कामयाब हो गए। अच्छा, आरिफ भाई को क्यों दे रहे हैं लोग वोट, क्या वजह है सर? ये बढ़िया आदमी, अच्छा वो है हमारा, इंशाल्लाह जीतेगा, हर आदमी इनके साथ है। भाई का नाम क्या है? अब्दुल खान। क्या लग रहा वार्ड पे? वार्ड पे ही पार चल रहा है तो भाई। अच्छा? आरिफ भाई विकास को लेकर क्या रहेगा इस बार? बहुत कुछ होना है यहाँ विकास को लेकर। विकास तो इंशाल्लाह पहले बहुत खराब बहुत होगा, तो उम्मीद है कि जनता इनको मौका देगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद गालिब। गालिब भाई, क्या लगता है रोब गालिब हो रहा है? नहीं, अच्छा खासा वार्ड पे जी, बहुत बढ़िया हो रहा है। अच्छा, अब की बार तो पार है। अब की बार पार, हाँ। मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ। आपका नाम क्या है? मोहम्मद समीर। युवाओं का क्या रुझान है आपके 9 से 14 तक के वार्ड पे बीडीसी के लिए? आरिफ भाई बहुत बढ़िया प्रचार कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, इंशाल्लाह जीत पक्की है, बिल्कुल ऐलान होना बाकी। क्या कह रहे हैं, ऐलान होना बाकी है जी? बिल्कुल, दो दिन रह गए, तीन दिन, माहौल पूरी पक्ष में है कि बस जीव को तो काम पूरा खत्म हो मामला। अच्छा, भाई का नाम क्या है? मोहम्मद अजहर। अजहर भाई, बहुत तेज तर्राक सी रहे, दो दिन के अंदर, दो दिन रह गए कुल बस जी, बाकी तो ऊपर वाले करनी, लेकिन इंशाल्लाह लाइफ में कोई गिरने का नहीं। अच्छा जी, बाकी खुदाई करनी, पूरी तैयारी है बिल्कुल, इंशाल्लाह पक्की जीत मान कर चल रहे अपनी। बिल्कुल,
दूसरे प्रत्याशी भी हैं यहाँ मैदान में? जी दूसरे भी है, हमारे भाई का समर्थन सबसे ज्यादा उस टाइम। अच्छा। बढ़िया आदमी, वोट उसे दो जो इंसान अच्छा लगो। हाँ। ये वोट दुख सुख की निशानी। हाँ। ये दुख सुख की निशानी तो बताना करो, वोट उसे दो जो जनता का समर्थन करो। अच्छा। हाँ, जो लोगों के काम हो। अभी तुम छोटी सी बात मान लो, गाँव में कोई परेशान नहीं हो जा, बहुत से आदमी चल पड़ो, इन भाई को उठा को ले चल दो, रात के 2 बजे 3 बजे किस टाइम भी ले चल दो, उसी टाइम चलने के लिए तैयार हो। तो वोट उसे दो समर्थन कर सको, जो दुनिया का साथ दे सको। इस दुनिया के अंदर साथ छोड़ने वाले बहुत हो, साथ देने वाला कोई नहीं है। ध्यान रखियो आज मेरी बात। मोहम्मद आरिफ की तैयारी कैसी चल रही है, क्या लग रहा है, बड़े बुजुर्गों में क्या कह रहे हैं बीडीसी के लिए? ये बढ़िया तैयारी है, और बुजुर्ग भी छोटे बड़े सब साथ है। अच्छा। सबका जान है, हर साला जीत भी होगी हमारी, हर काम भी करेंगे, सारा कुछ इंशाल्लाह सब कुछ सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नववार्ड में सबसे ज्यादा हम इंशाल्लाह साथ मिलेगा। भाई का नाम क्या है? मेरा नाम आखिल है जी। आखिल भाई, किस तरह की तैयारी चल रही, माहौल क्या है? भाई माहौल ठीक है, मतलब से जीता जी बस। अच्छा। हाँ, पर जिताने की नियत कर ली। हाँ जी पक्की। भाई का नाम क्या है? इरफान। आगे को आ जाऊंगा, क्या कहेंगे आरिफ के बारे में? आरिफ भाई दुआ यही है भाई, हमारा बीडीसी में खड़ा है, ये जीत जाए, और सबने है सब भाइयों को सब वोट आरिफ भाई को दो। आपका नाम क्या है? आजम। आजम भाई जी, गांव में और इस वार्ड पर 9 से 14 तक का जो पूरा वार्ड लग रहा है, तो बीडीसी के लिए मोहम्मद आरिफ है मैदान में जी, और भी बहुत सारे प्रत्याशी जी, बहुत सारे, क्या कहेंगे? सबसे अच्छा लड़का आरिफ। अच्छा। इससे अच्छा कोई लड़का नहीं, सबके रात में दिन में सबके काम आना हुआ, और जीत की भी तरफ बहुत अच्छा चल रहा। दो दिन रह गए, माहौल अपने पक्ष में कर लिया जी, सारा कुछ माहौल पक्ष में। अच्छा अच्छा जी, क्या तैयारी बुजुर्गों की अब की बार इस वार्ड में बीडीसी के लिए? बीडीसी के लिए आरिफ को चुन रखा पहले ही। हाँ, चुन लिया हमने, और सबका काम होगा, दुख सुख में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, इंशाल्लाह सब बढ़िया रहेगा। आपका नाम क्या है? हुसैन अली। दो दिन रह गए, मशवरा कर लिया नहीं? हाँ जी कर लिया। क्या करा मशवरा? आरिफ को देंगे जी। अच्छा जी, तैयारी कर ली पूरी। आपका नाम क्या है? मुन्नी साहब। तो क्या लग रहा है आपको इस वार्ड में, बहुत सारे प्रत्याशी हैं इस वार्ड में? बढ़िया काम चल रहा है जी। अच्छा। बढ़िया इलेक्शन चल रहा, पूरे जोर तोर का काम चल रहा। आखिर में हमारे साथ इस वार्ड पर जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं मोहम्मद आरिफ, उनसे हम जो है थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि इस वार्ड पर किस तरह की उनकी तैयारी है, और किस तरह से जो है इस वार्ड पर विकास को लेकर उनका मत जाएगा। क्योंकि बीडीसी हमेशा, मैं एक बार 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 कहता हूं, बीडीसी जब चुन लिया जाता है तो विवादों में हमेशा रहता है। मोहम्मद आरिफ किस तरह से अपने जो है मत का इस्तेमाल करेंगे अगर जनता ने इनको कल चुना? मोहम्मद आरिफ साहब, किस तरह की तैयारी इस वार्ड पर? धन्यवाद आपका जनादेश टीवी का। तैयारी बहुत अच्छी है, और जो पब्लिक है हमारे साथ, मतलब जो जनता है जुड़ी हुई है, और तैयारी हमारी यही रहेगी। मेन मुद्दा हमारा विकास का रहेगा, विकास को लेकर हम अपना वोट मांग रहे हैं, और विकास कर भी रहे हैं, करा भी और करते रहेंगे। सड़कें, नाली, जो नालियां है हमारी, इसमें गंदगी रहती है, और गंदी मतलब सड़क टूटी हुई है, पानी की समस्या रहती है, इन सब की सब समस्याओं को लेकर बीच में जा रहे हैं, और इसलिए सभी युवाओं और बुजुर्गों का और मेरी माता बहनों का अपार समर्थन मिल रहा है। और सब युवाओं का क्या रुझान है इस पर, युवा क्या कह रहे हैं? युवा सब, जितने भी युवा है, सब युवाओं का अच्छा रुझान है, और सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और लोग हमारे पक्ष में भी है, सब मतलब हम सब हमारे पक्ष में। अच्छा आरिफ भाई, जब चुनाव जीत लिया जाता है, जनता ने अगर आपको मौका दिया, बीडीसी अगर आप बने, तो किस तरह से जो है अपने वार्ड वासियों के साथ मशवरा करके वोट अपना देंगे? विकास के वोट जो हम देंगे, विकास के नाम पे ही देंगे, हमें विकास चाहिए, विकास करेंगे, और विकास ही हमारा मेन मुद्दा रहेगा। क्या कहेंगे समस्त वार्ड वासियों को? बस मैं सभी अपने मतदाताओं से अपील यही करूंगा कि भाई आने वाली 26 तारीख को अपने माताओं, बहनों और युवा और बुजुर्गों को यही अपील करता हूं, हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो ईंट का निशान है, ईंट के निशान पर मोहर लगाकर अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजय बनाए। मोहम्मद आरिफ, देखिए छोटी सी हमारी एक वार्ता हुई, बरसात का मौसम है, पूरी तैयारी चल रही है, 2 दिन कुल बचे हैं, माहौल तरह से जो है माहौल किया, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में हैं। कोई प्रत्याशी नहीं है, एक जीत है पक्की बिल्कुल, कोई किसी की टक्कर नहीं मान रहे, अब जीत होगी इंशाल्लाह।
चले बने रहिए पूरी रिपोर्ट के साथ। मैं इसराइल चौधरी जनादेश टीवी इंडिया के लिए वार्ड नंबर 9 से 14 तक मोहम्मद आरिफ बीडीसी पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और अपने विरोधियों को कड़ी टक्कर देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी किस वार्ड पर हार और जीत किसकी होगी। नमस्कार।